हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने बहुत सारी फिल्मों में मूवीज में देखा है कि दुबई के शेखों को बहुत अमीर दिखाया जाता है, और ये बात सच भी है क्योंकि उन्हें तो बस बहाना चाहिए अपनी बेशुमार दौलत को खर्च करने की। सोचने की बात तो यहाँ ये है दोस्तों कि आम इंसान के पास घर का राशन लाने के कई बार पैसे नहीं मिलते, वहीं दुबई के शेखों को सोचना पड़ता है कि वो अपनी दौलत को कहाँ खर्च करें। और यहाँ से शुरू होती है अय्याशी, और अय्याशी भी ऐसी वैसी नहीं दोस्तों। ये अपने पैसे पर इस तरह से खर्च करते हैं कि दुनिया भर में एक समाचार या खबर या न्यूज बन जाती है, वो भी एक बहुत बड़ी न्यूज। इनके खर्चे इतने ज्यादा होते हैं, इतने अजीब और गरीब होते हैं दोस्तों कि हम आपको एक एक करके वीडियो में दिखाएंगे कि दुबई के शेख कितने शौकीन होते हैं। दुबई के शेख की शादी। दोस्तों शादियां वैसे तो लोगों को लाइन लाइट में ले आती हैं, पर दुबई के शेख की शादी है साहब। जैसा कि हमने बताया आपको कि दुबई के शेख इतने ही शौकीन होते हैं, तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि वो अपनी शादी के मौके पर कितनी दौलत लुटा देते होंगे। जब भी दोस्तों दुबई में किसी की शादी होती है तो कम से कम 80 से 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इनकी शादी में दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो यहाँ पर आपको खाने के लिए ना मिले, और गेस्ट की तो क्या बात की जाए। जब होस्ट ही इतने बड़े होंगे तो गेस्ट भी बड़े ही होंगे, और गेस्ट इतने स्पेशल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नॉर्मल ट्रीटमेंट तो नहीं हो सकता। दोस्तों हम अपने लोगों को, स्पेशल गेस्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट देने में लग जाते हैं, पर ये तो शेख के गेस्ट हैं। इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट के अलावा बड़े बड़े होटल्स भी बुक होते हैं, शाही खाना तैयार किया जाता है, और हमने तो यहाँ तक सुना है कि अपने गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट में ये कई बार महंगी महंगी गाड़ियाँ भी दे देते हैं। इनकी शादी में करोड़ों रुपयों के फूल और गुलदस्ते खर्च कर दिए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि शेखों की शादी एक हफ्ते तक चलती है दोस्तों, और इस एक हफ्ते में उनके गेस्ट को जो भी चाहिए होता है वो उसे उपलब्ध कराया जाता है। ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि काश वो हमें भी अपनी शादी में एक बार इन्वाइट कर लें। दूसरा नंबर आता है गाड़ियों का। दोस्तों गाड़ियों के VIP नंबर रखने में तो शेख माहिर हैं। जैसा कि हमने बताया आपको कि शेखों के पास इस कदर पैसा है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि उसे कहां खर्च किया जाए। वो अपनी शान और शौकत दुनिया को दिखाने के लिए बड़े बड़े और नए नए तरीके निकालते रहते हैं। फिर वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स लें, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदें, या फिर गाड़ियों के यूनिक नंबर खरीदने की बात हो। जी हां दोस्तों, गाड़ियों के VIP नंबर लेना शेखों का एक अपना तरीका है पूरी दुनिया को ये खाने का कि वो कितने अमीर हैं। इनफैक्ट दुबई के शेख ने तो इस बात की बोर्ड लगा रखी है कि कौन कितना अमीर है, यही दिखाने के लिए वो गाड़ियों के VIP नंबर खरीदते हैं, और इन गाड़ियों के VIP नंबर की कीमत करोड़ों से कम नहीं होती दोस्तों। दुबई में बाकायदा गाड़ियों की नंबर प्लेट के लिए बोली लगाई जाती है जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं। बोली लगाने के लिए एक बार तो एक शेख ने 2 करोड़ की बोली लगा दी। एक नंबर प्लेट लेने के लिए जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वो हमेशा नंबर 1 रहना चाहते हैं, इसीलिए इतने ऐसे खर्च कर दिए। कमाल की बात है ना। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे यार इतने में तो हम 10 गाड़ियां खरीद लेते। यही फर्क है हमारे देश में और दुबई में। नंबर 3 पर आता है सोने से बनी चीजें। अब इतना पैसा है कि शेख ये सोचते हैं कि आखिर कहां खर्च करें, तो खर्च करने का एक और नया तरीका निकाल लिया। वो अपने पैसों को प्रदर्शन करने के लिए सोने से बड़ी बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी से लेकर मोबाइल तक सब सोने का। ये शेखों की कार कलेक्शन में रॉयल्स रॉस, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हैं। इनमें सोने की परत लगवा रखी है दोस्तों। दुबई के शेखों ने कई एरियो में तो सोने के ATM भी बनवा रखे हैं, जिसके बाद सोने के सिक्के निकलते हैं। यदि हम ATM से नोट निकालते हैं तो वो सोना निकालते हैं, है ना आश्चर्य। पर दुबई मेरी जान है और दुबई सोने की नगरी है दोस्तों, वहाँ कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं नंबर 4 पर हॉक्स के लिए फ्लाइट टिकट। दोस्तों हॉक्स के लिए आप सभी जानते हैं कि यहाँ हम बात कर रहे हैं दुबई के फेवरेट चिड़िया की, जिसका नाम है हॉक्स। ये दुबई के शेखों की फेवरेट होती है। अक्सर हमने मूवीज में देखा होगा कि जब भी कोई दुबई का सीन या मूवी आती है और दुबई के शेखों की बात होती है तो बाज जरूर नजर आता है। जैसे हमारे देश में हम जब तक कुत्ता ना पालें कंप्लीट नहीं होता, हमारा पालतू जानवर डॉग है, वैसे ही दुबई के शेख बाज को अपने साथ हमेशा रखते हैं। शेख इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते, चाहे उनके देश से बाहर जाने की बात क्यों ना हो, वे अपने साथ उसे ले जाना पसंद करते हैं। तो आपको बताएं एक शेख ने किस तरह अपने बगल वाली सीट को बुक करवाया और अपने पसंदीदा बाज को सीट पर रखा। इतना ही नहीं, एक बार तो एक शेख ने किसी दूसरे देश की यात्रा के समय अपने साथ 80 बाजों को भी ले जाना का टिकट करवा रखा था। उसके लिए उसने स्पेशल फ्लाइट बुक की थी और एयरलाइन वालों ने उसको एक साथ 6 बाजों को ले जाना अलाउड किया था। अब आप सोच समझ सकते हैं कि ये थी कैसी पैसों की नुमाइश।
नंबर 5, ऊंची बिल्डिंग बनवाने का शौक। दुबई के शेखों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के बहुत शौक है दोस्तों। ये काफी मशहूर भी है क्योंकि इस तरह वहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनवाकर वो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत अमीर है। और जब ये ऊंची इमारतें बनकर तैयार हो जाती है तब शेखों का काम होता है दुनिया को ये बताना कि देखो दुबई आर्किटेक्चर के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। और ये बात सही भी है क्योंकि दुबई दुनिया में सबसे लंबी इमारतों को बनाने के लिए मशहूर है। इस बात से आपको बुर्ज खलीफा का नाम तो याद आ ही गया होगा दोस्तों। ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी लंबाई 829.8 मीटर है और इस बिल्डिंग को बनाने में $8 अरब लगे हैं। बुर्ज खलीफा तो वर्ल्ड फेमस है, पर कल जब आप दुबई जाते हैं तो आपको बताएं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि वहां पर कोई भी बिल्डिंग छोटी नहीं है। आपको हर एक इमारत एक से ऊंची ही नजर आएगी। इसीलिए दुबई के शेख बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिए फेमस हैं और साथ ही दुबई में एक से बढ़कर एक होटल्स भी हैं। द बुर्ज अल अरब दुबई का सबसे बड़ा 7-स्टार होटल है। एक समय ये दुनिया का सबसे ऊंचा होटल हुआ करता था, पर अभी कुछ ही समय पहले उसी के बगल में एक नया होटल बनाया है जिसका नाम एवोरा है, जो कि आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा होटल माना जाता है। नंबर 6, अरबी घोड़ों से प्यार। अमीरों का पैसा खर्च करने का तरीका अलग होता है, वे घोड़ों पर रेस लगाते हैं। ये शौक दुबई के शेखों को बहुत ज्यादा है। वे घोड़ों पर काफी पैसे लगाते हैं। उनका प्यार इतना ही नहीं होता, वे अपने अरबी घोड़े से इतना प्यार करते हैं कि उनके रहने के लिए लोकेशन भी अच्छी चुनते हैं। कई दफा ये लोकेशन 5-स्टार होटल से कम नहीं होती। इनके घोड़ों के रहने की जगह देखते ही बनती है। आपको पता चलेगा कि कैसे शेख अपने अरबी घोड़ों पर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। इनके रहने लिए तरह तरह की सुविधाएं लेकर आते हैं। इनके लिए स्विमिंग पूल अवेलेबल होता है। कहा जाता है कि इन घोड़ों के लिए एक महीने के खाने पर जो खर्च होता है वो करीब करीब 1 करोड़ से ज्यादा होगा। जब कोई घोड़ा ज्यादा रेस जीतता है तो उसका स्टैच्यू दुबई के हर चौराहे पे बनवाया जाता है और ऐसा आप दुबई में अधिकतर देख भी पाएंगे। नंबर 7, दोस्तों आपने दुबई के रॉयल फैमिली के बारे में तो बहुत बातें सुनी होंगी, आपने उनके पैसों की कहानियां भी सुनी होंगी। इनके पास इतने पैसे हैं कि खर्च करते करते थक जाएं, लेकिन इनका पैसा खत्म नहीं हो सकता। आज हम आपको यहाँ एक प्रिंस के बारे में बताएंगे। कहा जाता है इनके सामने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड के स्टार भी फेल हैं। दोस्तों इनका नाम जरा गौर से सुनिएगा, शेख हमदन बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। जी हाँ, जितना बड़ा इनका नाम है उससे बड़ा इनका बैंक अकाउंट है। कहने का मतलब है कि जैसे इनका नाम खत्म नहीं होता वैसे इनके अकाउंट के पैसे भी खत्म नहीं होते। दुबई के क्राउन प्रिंस को दुबई कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष महामहिम शेख हमदन बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम अहा के नाम से जाना जाता है। लोग इन्हें फैजा भी कहते हैं। ये बेटर नाम है। फैजा दुबई के वर्तमान शासक हैं और वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के उत्तराधिकारी हैं। शाही परिवार में जन्म लेने वाले इतने स्टाइलिश और हैंडसम है कि रोज उनके लिए शादी के हजारों प्रस्ताव आते हैं। इतना ही नहीं, प्रिंस इंस्टाग्राम में फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, किसी अभिनेता से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, घूमने फिरने का बहुत शौक है, सूट बूट से लेकर कुर्ता पजामा में तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो जाती हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई दुबई से की है। ग्रेजुएशन के लिए प्रिंस यूनाइटेड किंगडम गए थे, वहाँ उन्होंने RMS कॉलेज में पढ़ाई भी की है। इसके अलावा उन्होंने लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमी से पढ़ाई की। रफ टफ दिखने वाले प्रिंस निजी जिंदगी में बेहद शांत और खुश स्वभाव के हैं। ट्रैवलिंग के साथ साथ घुड़सवारी का शौक है। भले ही दुबई के क्राउन प्रिंस हों, लेकिन इंस्टाग्राम के भी किंग हैं कि अपनी बिलियनेयर लाइफस्टाइल और अपने शौक को दिखाते रहते हैं। अपनी हर फोटो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। करीब करीब 60 लाख लोग इन्हें फॉलो करते हैं। इनका एक दोस्तों बड़ा भाई भी है, लेकिन इसके बावजूद 2008 में क्राउन प्रिंस अपॉइंट किया गया था इन्हें। हालांकि 2015 में इनके बड़े भाई शेख राशिद बिन मोहम्मद की 33 ईयर्स की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वो दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग, दुबई ओजियंट सेंटर और दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का चेयरमैन है। उनका स्पोर्ट्स में भी काफी इंटरेस्ट है। स्काई डाइविंग, हाउस बाइक डाइविंग, साइकिलिंग और ड्राइविंग काफी पसंद करते हैं। यही नहीं, एक बेहतरीन फोटोग्राफर, ट्रैवलिंग और एक बेहतरीन कवि हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। अपने पैसों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करते हैं। दोस्तों इनके पास एक पर्सनल जहाज है जिसकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए है, और साथ ही दुनिया की ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो शेख के पास ना हो। और जब पापा ही इतने रईस हों तो बेटा पैसे वाला तो होगा ही दोस्तों। कहा जाता है इनका छोटा भाई इनसे भी ज्यादा खर्चीला, उसके पास भी दुनिया की हर गाड़ी मौजूद है। एक से बढ़कर एक हवाई जहाज है, कपड़े से लेकर जूते सब कुछ अलग अलग है। हॉलीवुड के हीरो हीरोइंस तो इनके दोस्त हैं और ये बड़े शौकीन हैं। कभी कभी ये अमेरिका में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ रातें रंगीन करते नजर आते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने रात का एक शौक पूरा करने के लिए करोड़ों खर्च कर देते हैं। पापा के पास खुद की 5 शिपिंग जहाजें हैं जिसकी कीमत लाखों करोड़ों है। साथ ही इनको सोने हीरों का बहुत शौक है, एक से बढ़कर एक महंगे लॉकेट ही पहनते हैं। माना जाता है इनके हाथ में भी एक
सलमान खान टाइप का ब्रेसलेट है, कीमत 28 करोड़ है। भाई जब पैसा आपके पास है तो सब कुछ आसान होगा ही। दोस्तों दुबई में काफी लोग दौलत वाले हैं, इनके पास कितने रुपए हैं ये आप बता नहीं सकते। इनका रुतबा अंदाज ऐसा है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इनके पास काफी पैसा है कि गिनते गिनते सालों हो जाए। और दोस्तों ये वीडियो बनाने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो हो सके इसे एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना।